बहुत बड़ा सौभाग्य है, सौभाग्य है हमारा। पहली फिल्म में भी मुझे मौका मिला था और बहुत अच्छी फिल्म बनी थी। मधु मैम ने इतनी अच्छी फिल्म बनाई थी और इन्होंने पूरी छूट दिया था कि आप लोग अच्छी फिल्म बनाएं। कहानी इनको बहुत पसंद आई थी और संतोष जी ने इतनी अच्छी फिल्म बनाई थी, जहां भी लोगों ने देखा सबने सराहा। और फिर से एक और मौका मिला हमें इस प्रोडक्शन में काम करने का, तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि अगर एक बार तो गलती से किसी को भी काम मिल सकता है, अगर दोबारा मिल रहा है इसका मतलब ज़रूर ये भी हमारे काम से, संतोष जी के काम से और पूरी टीम के काम से मधु मैम को भी संतुष्टि हुई है। इस बार जो सब्जेक्ट संतोष जी ने उठाया है वो निश्चित रूप से इसके पहले कभी भोजपुरी सिनेमा में किसी ने सोचा नहीं था कि एक सोशल मैसेज पे हम पूरी फिल्म बनाएंगे, जो सिर्फ मनोरंजन नहीं, मनोरंजन तो होगा ही, फिल्म है तो मनोरंजन होगा, पर मनोरंजन के साथ एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, स्वच्छ भारत आप करें या ना करें हम करके रहेंगे। तो उसमें बहुत सारी चीज़ हैं, मात्र स्वच्छ भारत में हम बाहरी सफाई नहीं, अपनी भी शुद्धि और अपनी भी सफाई करनी है उसमें। तो एक बड़ा अच्छा मैसेज के साथ ये फिल्म शुरू हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म बनने के बाद आप सब लोग सराहना करेंगे, आप सब लोग सराहेंगे मधु मैम के इस सराहनीय कदम को। आदमी का है, और जब संतोष जी ने मुझे ये स्टोरी सुनाया था तो मैं इनसे सहमत हो गया तुरंत, क्योंकि जो लोग पूंजीपति होते हैं, जिनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत साधन है, वो थोड़े से लाभ के लिए बहुत लोगों का नुकसान कर सकते हैं। कोई ऐसा व्यवसाय, ऐसा धंधा, ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिसमें उनका थोड़ा सा लाभ हो रहा है पर उससे पूरे लोग जो हैं प्रभावित हो रहे हैं, उससे लोगों का नुकसान हो रहा है। पर एक आम आदमी जो होता है वो किसी भी लोभ या लालच में पड़ के कोई ऐसा कदम नहीं उठाता है, कोई ऐसा काम नहीं करता है जिससे कि पूरा देश या पूरी पूरे समाज को उसका नुकसान उठाना पड़े। तो एक ऐसे ही युवक की कहानी है जो पूंजीपतियों से जब टकराता है सिर्फ इस बात के लिए कि वो लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा इस्तेमाल किया जाए इसको कि उससे उनका लाभ हो, भले समाज में जो है लोगों को हानि पहुंचे, पर उसके लिए वो तैयार होता भी नहीं है और साथ में इस बात के लिए भी अड़ जाता है कि मैं तो करूंगा नहीं पर आप लोगों को भी ये नहीं करने दूंगा, क्योंकि सबसे ऊपर हमारा देश है, हमारा समाज है, हमारे लोग हैं, और एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोई ऐसा भी कदम ना उठाएं जिससे कि पूरे समाज को क्षति हो। एक बड़ी अच्छी प्यारी सोशल मैसेज के साथ ये फिल्म बनने जा रही है, बहुत खुशी है। और मैं कहना चाहूँगा कि ये इतना बड़ा इसलिए हो पाया है कि जो इस मिट्टी में पैदा हुए लोग हैं और इस मिट्टी में पैदा होने के बाद समाज में बहुत ऊंचा स्थान मिला है और बहुत नाम करने के बाद भी उनको अपनी मिट्टी, अपने लोग, अपनी भाषा याद है। जैसे मधुमैम है, ये गर्व के साथ कहती हैं कि मैं जो है, आइए आइए भैया, हम लोगों के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। पहले दिलीप साहब आए थे, दिलीप साहब ने हमारे साथ फिल्म बनाई, जीपी सिप्पी साहब आए, अमित जी ज्वाइन किए और उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप आ गया और फिर प्रियंका चोपड़ा जी आना उनके लिए, और वो इंटरनेशनल फेम, शी सच अ पावरफुल और इतनी उम्दा कलाकार हैं, उन्होंने अपना भोजपुरी प्रेम दिखाया, बिकॉज आप शी वॉज बॉर्न इन जमशेदपुर, तो वो एक अपना भोजपुरी टच उन्होंने रखा है। वो चाहती बॉलीवुड कर सकती, तेलुगु बनाए, मराठी बना सके, बहुत सारा सिनेमा, हम लोगों पर उनका एक बहुत बड़ा एक फेवर कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा एहसान है कि इस इंडस्ट्री को लाइमलाइट में रखें, जिसको एक बहुत ही छोटी इंडस्ट्री, बहुत ओछी नज़र से देखा जाता है। तो मैम, आपके आने से, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, इट्स बीन वॉच्ड बाय एवरीबॉडी, इट्स बीन टॉक्ड बाय एवरीबॉडी, और थैंक यू आपको, जितना आपको हम धन्यवाद दें, थैंक यू सो मच। एंड आई मस्ट से,
थैंक यू सुधा जी ऑल्सो, शी इज़ माई दीदी एंड शी ऑलवेज वॉन्टेड कि हम और दिनेश बाबू साथ आएँ एंड पंडित जी थैंक यू, आपको भी धन्यवाद। जी 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 जी, हमने और कोंकणा जी और अमित जी एक अभी ऐड किए हैं प्रधानमंत्री साहब की विच कंगना रना, हाँ डोंट लेट हर गो, तो कंगना जी वगैरह हमने ऐड किया, बड़ा पॉपुलर हो गई वो ऐड और प्रदीप दादा ने उसको डायरेक्ट की थी। यस डेफिनेटली स्वच्छ अभियान बहुत ज़रूरी है, हम भारत को साफ होना बहुत ज़रूरी है, गंदगी बहुत है और उससे हैजा मलेरिया और बहुत सारी मौत मृत्यु होती है, हम लोगों को सफाई रखना और अभी बहुत असर भी हो रहा है, अभी हम लोग पहले उठा के कुछ भी सामान फेंकते थे, अभी हम लोग दो बार सोचते हैं हर आदमी, तो अभी ये दो चार साल में हमको लगता है कि इंडिया में बहुत सारी सफाई होगी और बहुत ज़रूरी है, इंडिया हैज़ टू बी क्लीन बिकॉज हम जब ट्रैवल करते हैं अब्रॉड, अभी मैं सिंगापुर में था, वहाँ पे आप एक कचरा फेंकते हो $500 आप पे चार्ज होता है, च्युइंगम खाओ या सिगरेट पियो, सो ये थोड़ा सा फॉर्म और थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हो जाए ये सब चीज़ों को लेके, तो हम अपना देश बहुत सुंदर देखेंगे और ये मुझे लग रहा है, मतलब आतंक हो जाएगा मतलब अब इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती हम लोगों के लिए, हम दोनों मतलब रहे तो मतलब आतंक हो जाएगा और पूरा विश्व जानने लगेगा, हम लोग के फिर फैन फॉलोइंग न्यूयॉर्क में भी हो जाएगी। चलिए आई होप कि ऐसा एक दिन होगा, होगा होगा, व्हाई नॉट, ये आज ये हो गया, ये हमारे लिए क्वाइट सरप्राइजिंग रहा, सच बताएं पंडित जी, ये मेरे लिए हम लोग सोचते हैं रोज नाचते थे हम लोग, जहाँ मिलते थे नाचते थे कि वही बड़ा निकाल ले, लेकिन ऐसा हम ना मालूम रहे इन कॉम्बिनेशन, हम इनसे पूछे कि इनके मालूम हो कि नहीं, हम पूछा तो रहता हूँ, नहीं नहीं बहुत चला, थैंक यू।